बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। नावल है हार्टलेस, द हार्ट बीट ऑफ हार्टलेस, एपिसोड 31। तहरीर है अरीज शाह की। शाम के वक्त इसे फ्लैट में कुछ अजीब सी उलझन महसूस हो रही थी। डर भी लग रहा था ये ना हो कि कुछ उल्टा सीधा हो जाए। वो इस पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी लगा कर गया था। वो किसी भी किस्म का रिस्क नहीं ले सकती थी। दरिक के हवाले से परी के साथ दुश्मनी अपनी जगह, लेकर वो सदीक की बेटी थी, वो इसे खतरे में डालने का सोच भी नहीं सकती थी। वो फ्लैट के अंदर दाखिल हुई तो सामने ही परी चाहे नमाज बिछाए अपनी इबादत में मसरूफ थी। इसे देख कर वो मुस्कुराई। इसकी मुस्कुराहट का जवाब कुरा कर देखते हुए इसने पूरे घर को चेक किया था। कहीं पर कोई भी नहीं था, लेकिन अंदर एक डर पैदा हो गया था। इसे पता चल चुका था कि पाशा अपने बहुत सारे आदमियों को दुबई भेज चुका है। वो इसका मकसद मसूमा को कत्ल करना था, लेकिन परी भी इससे छुपी हुई हरगिज नहीं थी। ये तुम क्या कर रही हो? एक हर चीज चेक कर रही हो, कभी दरवाजे चेक कर रही हो, कभी खिड़की। सुकून नहीं है क्या? उसे देखते हुए मुस्कुराते हुए पूछने लगी तो खुशी ने एक नजर इसे देखा। कोई भी नहीं है, बस डार्लिंग हवा होने की वजह से मुझे डर है कि तुम्हारी नाजुक सी जान हवा से उड़ ना जाए, इसलिए सारे घर के दरवाजे बंद कर रही हूँ। वो इसे जवाब देते हुए अभी पीछे की तरफ बढ़ी ही थी जब परी चकराते सर के साथ जमीन पर गिरने लगी। तुम ठीक तो हो? के भागते हुए इसके पास आई और इसे थाम कर सोफे पर बिठा कर पूछने लगी। मुझे मेरी तबीयत ठीक महसूस नहीं हो रही, मुझे शाम से चक्कर आ रहे हैं और हाथ पैरों में दर्द हो रहा है। अपनी तबीयत की नासाजी महसूस करते हुए इसने बताना ही ज़रूरी समझा। वो नहीं चाहती थी कि दरिक की गैर मौजूदगी में वो किसी पर भी बोझ बने। आओ मैं तुम्हें अस्पताल लेकर चलती हूँ, मुझे भी तुम्हारी तबीयत बिल्कुल ठीक महसूस नहीं हो रही, तुम्हारा चेहरा भी सर्द पड़ रहा है। और जहाँ तक मुझे लगता है हमारा फ्लैट में रहना ठीक भी नहीं है। आज का शारफ भी यहाँ पर नहीं है, कुछ भी हो सकता है, वो बेहद कम आवाज़ में बोली, लेकिन परी ने फिर भी इसकी मुकम्मल बात सुन ली थी। क्या हो सकता है? और शारफ, वो सामने वाले फ्लैट वाले की बात कर रही हो ना तुम? इसने याद करते हुए पूछा तो इसने हाँ में सर हिला दिया। हाँ, वो काफ़ी अच्छा आदमी है, मेरी काफ़ी मदद कर देता है। जब यहाँ होता है, दरिक नहीं है, तो मैं भी तुम्हें अकेले अस्पताल ले जाऊँगी, इसने बात बनाते हुए कहा। चलो, मेरे ख्याल में अस्पताल जाना चाहिए, परी ने अपनी तबीयत मजीद खराब महसूस करते हुए कहा तो खुशी भी उठ खड़ी हुई। वो ख़राब तबीयत के बावजूद भी कभी खुलकर बात नहीं करती थी, लेकिन आज शायद इसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब थी, इसलिए अस्पताल जाने के लिए भी राजी हो गई थी। इसके साथ बाहर आते हुए इसने अच्छे से फ्लैट को लॉक करते हुए हर जानब देखा था। इसे शाम से ही कुछ गड़बड़ महसूस हो रही थी। पहले दो अनजाने लोग इसे अपने फ्लैट के बाहर नजर आए थे जिन्हें वह नज़रअंदाज कर गई, लेकिन इसके बाद इसे ऐसा महसूस हुआ कि कोई है जो इन पर नज़र रखे हुए है। वो बाहर निकली हुई थी कि सामने से चचा आते दिखाई दिए। इसके चेहरे पर खुशी आ गई थी क्योंकि इनका होना भी इसके लिए बहुत अहमियत रखता था। शुक्र है आप आ गए चचा, मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई थी, किसी परी को गाड़ी में बिठाते हुए इनसे कहने लगी तो वह मुस्कुरा दिए। तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं, अल्लाह ने चाहा तो सब कुछ ठीक होगा। क्या हुआ परी को? इसका चेहरा इतना जर्द क्यों हो रहा है? चचा, वैसे आज परी पहली बार ही मिले थे, लेकिन खुशी ने यह बताया था कि वो खुशी और राकेश के दूर के रिश्तेदार हैं, जिस पर वो भी मुस्कुराते हुए इनसे मिली थी। चचा, इसकी तबीयत बहुत ख़राब है, मैं इसे अस्पताल लेकर जा रही हूँ, आप ही हमारे साथ चलें। इसने गाड़ी की चाबी इनकी जानब बढ़ा ते हुए कहा तो इन्होंने चाबी को फौरन ही थाम लिया। दरिक जाने से पहले परी और खुशी की सेफ्टी के लिए सिक्योरिटी गार्ड का इंतजाम करके गया था। चचा ना सिर्फ एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर थे, बल्कि दरिक के अखबार के इंसान भी थे। वो खुशी और परी के मामले में सिर्फ इन्हीं पर यकीन कर सकता था। अस्पताल पहुंचते पहुंचते परी की तबीयत ज्यादा खराब हो गई थी। इसका चेहरा तो जो जर्द हुआ सो हुआ, इसके जिस्म में जैसे जान ही खत्म हो गई थी। डॉक्टर ने इसे फौरन एमरजेंसी वार्ड में शिफ्ट कर दिया था। इनके जिस्म में खून नहायत ही कम है, आप लोग इतने लापरवाह कैसे हो सकते हैं? सुबह से इनकी तबीयत खराब थी और आपने इतनी ज्यादा लापरवाही का मुजाहरा किया। हमें अभी ओ नेगेटिव ब्लड की जरूरत है, जाकर इंतजाम करें, डॉक्टर चाचा से सख्ती से कहती दोबारा अंदर चली गई थी। चाचा, अब क्या होगा? इनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, मुझे बहुत टेंशन हो गई है। चाचा, हम क्या करेंगे?
खुशी हड़बड़ाहट में कुछ भी समझ नहीं पा रही थी। मैं दूसरे अस्पताल जाकर वहां से पता करती हूँ, हो सकता है ब्लड का इंतजाम हो जाए। आप भी प्लीज कोशिश करें कि कहीं से भी ब्लड मिल जाए, क्योंकि डॉक्टर ने कहा है कि अस्पताल में इस वक्त ब्लड नहीं है। पर मेरा नहीं ख्याल कि रात के इस वक्त कोई भी ब्लड देने पर राजी होगा। वैसे भी आजकल अनजान लोगों को कोई भी कुछ नहीं देता। प्लीज जाकर पता करें, मैं भी जाती हूँ। वो चाचा को भेजते हुए खुद भी तेजी से अस्पताल से बाहर निकल गई थी। इस वक्त वो ब्लड का इंतजाम कहाँ से करती वो नहीं जानती थी। बस पता था तो इतना, अगर ब्लड ना मिला तो इसकी जान भी जा सकती थी, और अगर ऐसा होता तो ये कैसे जिंदा रहता। इसने तो अभी जीना शुरू किया था, अभी अपनी जिंदगी को खुशी से गुजारना शुरू किया था। खुशी ने इतने सालों में कभी भी इसे इतना कुछ नहीं देखा था जितना इन पिछले चंद दिनों में। इस लड़की का साथ इसके लिए सब कुछ था। वो इससे मोहब्बत का दावा करती थी तो भला इसकी उदासी और इसकी दुख को नजरअंदाज कैसे करती। वो इससे इतनी मोहब्बत करती थी कि इसकी खुशी के लिए वो अपनी जान भी दे सकती थी। रू की तबीयत बहुत खराब थी, इसने रो रो कर अपना हश्य कर रखा था। डॉक्टर ने रोयाम को जवाब दे दिया था, अब इसके बचने के कोई चांस नहीं थे। यारम खुद भी टूटा बिखरा बैठा था, खुदा पर यकीन इसे नीचे नहीं गिरा सकता था। रोयाम की आखिरी सांस तक इसे यकीन था कि कोई ना कोई हल निकल आएगा, लेकिन जब लहू बहता है तकलीफ तो होती है। यारम भी इस वक्त तकलीफ में था। अपने खून की आखिरी सांसें देखते हुए वो इस वक्त दर्द की आखिरी इंतहा पर था। रोयाम का कहना बाबा दर्द है इसे तोड़ रहा था। वह दुबई का डॉन अपने बेटे की तकलीफ को कम करने से कासर था। वो रोयाम के पास बैठा था जब इसने नर्स को बाहर से बुरे शख्स को खून का इंतजाम करने में जल्दी करने के लिए कहा। पेशेंट को नेगेटिव ब्लड की जरूरत थी, खून ना मिलने पर इसकी जान जा सकती थी। इंसानियत के एहसास से वो उठकर बाहर निकल गया। डॉक्टर, मेरा ब्लड ओ नेगेटिव है, आप मेरा ब्लड ले लें। वो नहीं जानता था वो किसकी जान बचाने जा रहा है। बस वो किसी को इस हालत में मरने नहीं दे सकता था जिसमें वो इसे बचा सकता है। डॉक्टर ने इसकी बात सुनते ही खुशी से इसका शुक्रिया अदा किया और इसे ब्लड लेने के लिए रूम में शिफ्ट कर दिया गया। हम ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। तुमने हम पर सच में बहुत बड़ा एहसान किया है। तुम नहीं जानते कि अगर आज इस बच्ची को कुछ हो जाता तो मैं सर उठाकर जीने के काबिल नहीं रहता। वो मुझ पर एतबार करके इसका इलाज ढूंढने गया है। तुम सच में मेरे लिए किसी फरिश्ते से कम नहीं हो, वह हाथ जोड़ते हुए कहने लगे तो यारम ने इनके हाथ थाम लिए। कोई फरिश्ता नहीं, एक आम सा इंसान हूँ, और इंसानियत के नाते मुझसे जो कुछ हो सका मैंने किया है। और जहाँ तक किसी की जान बचाने की बात है तो जान बचाने वाली जात ऊपर अल्लाह की है। हम तो बस वसीला होते हैं या दुआ कर लेते हैं। आप दुआ कीजिए कि मेरा बेटा ठीक हो जाए। वो ये कहकर अंदर जा चुका था, लेकिन इन बुजुर्ग का अंदाज कुछ ऐसा था कि वो यारम को बार बार शुक्रिया अदा कर रहे थे। अगला दिन भी इसी तरह से गुजर गया था। रोयाम को थोड़ी देर के लिए होश आया, लेकिन जब तकलीफ शुरू हुई डॉक्टर ने इसे दोबारा भी होश कर दिया। चाचा के बार बार शुक्रिया अदा करने की वजह से यारम खुद भी इस लड़की की इयादत के लिए गया था। वो लड़की से बहुत बचकाना से लगी, इसकी बातें इसका अंदाज बिल्कुल छोटे बच्चों जैसा लगा था, लेकिन न जाने क्यों उसे लगा कि वो कुछ हद तक मासूमा से मुशाबत रखती है। रू की हालत इसे देखी नहीं जा रही थी, इसने जबरदस्ती रू को घर भेज दिया था। इसे यकीन था अगर वो यहाँ पर रही तो रोयाम की हालत देख देख कर वो पहले मर जाएगी। सर, हम कुछ नहीं कर पाए, कोई और इंसान बोन मैरो देने को तैयार नहीं है। यहाँ पर जिस बंदे का मैच हुआ था वो भी गायब हो चुका है। आई एम सॉरी, लेकिन हम आपको किसी किस्म की कोई झूठी उम्मीद नहीं दे सकते। इसने आज जैसे उम्मीद पर कायम इस उम्मीद को भी तोड़ने की कोशिश की थी। जान बचाने वाली जात ऊपर वाले की है। अगर वो नहीं चाहता तो जो बोन मैरो दे सकते हैं वो भी नहीं दे सकेंगे। आप लोगों का शुक्रिया कि आप अब तक अपनी कोशिशें जारी रखे हुए हैं। यारम इन लोगों का शुक्रिया अदा करता अंदर रोयाम के पास आ गया था। इसका निन्ना सब झूठ बेजान पड़ा था। क्या था, वो अपने मासूम से बच्चे की जिंदगी के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा था। खुद को इतना बेबस तो इसने कभी भी महसूस नहीं किया था। इसने खिजर को फोन करके इन्हें अस्पताल बुला लिया था, शायद ये वक्त था इसे अलविदा करने का।
इसे दवाइयों के जरिए ऐसा रखा गया था। वो मुकम्मल तौर पर बेहोश थी। यारन की मौजूदगी में खुशी अस्पताल में नहीं रही थी, लेकिन चचा हर वक्त इसके साथ थे। इसका ट्रीटमेंट शुरू कर दिया गया था, लेकिन चचा को जो डर था वही हुआ। इनकी आंख लगी अभी थोड़ी ही देर हुई थी जब इन्हें कुछ गड़बड़ महसूस हुई। सामने देखा तो बेड पर परी नहीं थी। वो तेजी से उठकर बाहर निकले तो तीन हबशी इसे किडनैप करके ले जा रहे थे। इन्होंने आगे बढ़ते हुए परी की जान बचाने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले ही वो इन पर हमला करते हुए इन्हें बुरी तरह से मारने पीटने लगे। वो लोग इन्हें आवाज़ पैदा नहीं करने दे रहे थे, लेकिन फिर भी साथ वाले कमरे में मौजूद यारम गड़बड़ में महसूस कर चुका था। वो तेजी से कमरे से बाहर निकला। जब चचा को जमीन पर जख्मी हालत में पाया, इसे बचा लो बेटा, वो इसे लेकर जा रहे हैं, खुदा के लिए इसे बचा लो। वो अस्पताल से बाहर जाने वाले रास्ते की जानब इशारा कर रहे थे। यारम इनकी तरफ बढ़ने की बजाय तेजी से बाहर की तरफ निकला था। वो लोग परी के बेहोश वजूद को गाड़ी में डाल रहे थे, लेकिन यारम के होते हुए तो ऐसा नामुमकिन था। वो जल्द ही इन लोगों तक पहुंच गया। किसके आदमी हो तुम लोग और क्यों ये सब कर रहे हो? वो इन पर हमला करते हुए कुछ ही देर में इनकी दुर्गत बना चुका था। वो लोग भी इसे बहुत अच्छी तरह से पहचान चुके थे, इसलिए पाशा का नाम लेने के बजाय अपनी ही कहानी बनाने लगे। इन लोगों का कहना था कि दरिक ने इनका बहुत ज्यादा नुकसान किया है, जिसके बदले वो इसकी बीवी को लेकर जा रहे हैं ताकि वो इसका नुकसान पूरा करे। यारम को इनकी कहानी मनगढ़ंत लगी थी, लेकिन परी को वो किसी भी किस्म की मुसीबत में नहीं डाल सकता था। वो जल्द ही इन लोगों को इनके अंजाम तक पहुंचा चुका था। परी को वापस कमरे में लाते हुए इसका ध्यान एक बार फिर से परी के चेहरे पर गया था। न जाने क्यों इसके होंठ बिल्कुल मासूमा जैसे लग रहे थे। बेटा, मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा, वो इसके पाँव पकड़ते हुए कहने लगे तो यारम पीछे हट गया। इनका अंदाज ऐसा था जैसे वो इस लड़की के नौकर ना हो बल्कि इसके बाप हों। इसकी जान यारम ने बचाई है, खुदा का शुक्र है कि यारम का खून इसके ब्लड से मैच कर गया। लेकिन यारम नहीं जानता कि वो लड़की तुम्हारी बीवी है, और मैं भी छुप गई थी। मैं भी यारम के सामने बिल्कुल भी नहीं आई। मुझे लगा ये ना हो कि मुझे देख कर यारम इसे ब्लड देने से इनकार कर दे। खुशी से एयरपोर्ट पर लेने आई तो इसे सारी बात बताई। मुझे यकीन है कि वो हमला करने वाले लोग पाशा के ही थे, लेकिन इन लोगों ने कहानी बनाई कि तुमने इनका कोई नुकसान किया हुआ है, जिसके बदले में वो तुम्हारी बीवी को उठा कर ले जा रहे हैं। शायद वो लोग यारम की नजरों में नहीं आना चाहते थे, लेकिन फिलहाल इन्हें पता नहीं है कि इनका बॉस हमारे कब्जे में है। खुशी को ये जानकर खुशी हुई थी कि स्टीक का कातिल और इनके कब्जे में है। जबकि दरिक को अस्पताल पहुंचने की जल्दी थी, इस बार वो अस्पताल परी के लिए नहीं बल्कि रुयाम के लिए पहुंचना चाहता था। अचानक ऑपरेशन शुरू हो जाने की खबर ने इन सबको चौंका दिया था। वो सब लोग नाउमीद होकर बैठे थे जब इन्हें दरिक जख्मी हालत में ऑपरेशन थिएटर की तरफ जाता हुआ नजर आया। वो शख्स कहाँ से वापस आया था और इसके दिल में इसके बेटे के लिए रहम कैसे जाग आया, वो नहीं जानता था, लेकिन इस वक्त वो इसके लिए किसी फरिश्ते से कम नहीं था। ऑपरेशन कामयाब हो गया था, इनके बेटे की जान बच गई थी, वो मौत के मुंह से वापस आ गया था। इस चीज से ज्यादा खुशी को यारम और किसी चीज की नहीं थी। वो इसके सीने पर सर रखे मुसलसल रोई जा रही थी, लेकिन इसे अपनी बाहों में लिए दरिक के चेहरे पर मुसलसल एक मुस्कुराहट थी। आपको गोली लगी, आपने मुझे क्यों नहीं बताया? इतनी खराब हो गई आपकी हालत, आप तो मेरा इलाज ढूंढने के लिए गए थे और वहां खुद जख्मी होकर आ गए। वो इसके सीने से सर उठाते इसके सीने पर मुक्का मारती इससे लड़ रही थी। जहाँ वो तकलीफ से करा उठा, वहीं इसके इस प्यारे से अंदाज पर अचानक इसका चेहरा ऊपर करते हुए इसके लबों को अपने लबों की कैद में ले चुका था। बहुत तकलीफ में हूँ इस वक्त, या तो मेरी तकलीफ को कम करो या फिर मेरे इतने पास ना रहो कि मैं खुद हो जाऊँ। इसे खुद में भेजते हुए वो इस हालत में भी रोमांस की कर रहा था। इस तरह से बात ना करें, मैं बहुत गुस्सा हूँ आपसे, वो दोबारा इसके सीने पर सर रखती नाराजगी से बोली थी। लेकिन गुस्सा क्यों हो ये भी तो बताओ, इसके गालों को अपने लबों से छूते हुए मुकम्मल बेखुद हुए जा रहा था। परी के इस अंदाज ने इसे मजीद मदहोश कर दिया था। आप मेरा इलाज ढूंढने गए थे, बताएं मुझे सच सच, दरिक आप क्या करते हैं? ये चेहरे पर इतने जख्म, ये गोली,
आप खुद इस वक्त अस्पताल के बेड पर पड़ी हैं। मुझे सच सच बताएं, आप कौन सा काम करते हैं? आप कोई खतरनाक काम तो नहीं करते ना, जिसकी वजह से वो अपने शक को जुबान देकर आज क्लियर जवाब चाहती थी। मैं तुमसे सच कह रहा हूँ, तुम्हारी कसम, मैं तुम्हारा इलाज ढूंढने गया था, मैं तुम्हारा इलाज ढूंढ के लाया हूँ। अब तुम्हारा इलाज हो जाएगा, अब तुम्हें कभी कोई टेंशन नहीं होगी, तुम्हें कोई तकलीफ सहनी नहीं पड़ेगी, तुम्हें कोई बुरे ख्वाब नहीं आएंगे। वो इसे अपने बेहद करीब करते प्यार से समझा रहा था, जब अचानक दरवाजा खुला। दरवाजे पर यारन के साथ रूप को देखकर वो लम्हे में इससे दूर हुई थी। मैं आपको इन्हीं के बारे में बता रही थी, इन्होंने मेरी जान बचाई थी और अब से ये मेरे भाई हैं। वो यारम को देखते हुए इसे बताने लगी। द्रेक ने कोई जवाब नहीं दिया था, सिर्फ हाँ में सर हिला दिया था, जबकि रूह को यारम के साथ देखकर वो खुद भी कुछ कंफ्यूज थी। आप रूमी की मम्मा है ना, इस लड़की को वो भूली तो हरगिज नहीं थी, जबकि रोयाम को अपने पास से एक नाम दे चुकी थी। फिलहाल तो हम आपके शौहर का शुक्रिया अदा करने आए हैं, जिसकी वजह से हमारा बेटा आज जिंदा है, इन्होंने एक नज़र इसे देखते हुए इसे बताया। तो परी खुशी से द्रेक को देखने लगी। सच में आपने रूमी को बचाया? रोयाम कहाँ पर है? मैं उसे मिलना चाहती हूँ, वो पल में बेचैन हुई थी। क्यों नहीं, रूम नंबर 11 में तुम जाओ, इससे मिल सकती हो। यारम ने फौरन इसे इजाजत दी तो वो खुशी से द्रेक को देखते हुए कमरे से बाहर निकल गई, जबकि इन दोनों का ध्यान अब इस पर था।